ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमूना बनाकर भेजा। अब हम देखें कि किताबुल्लाह सशुर फरमान है, और आम तौर पर आप जुमा में सुनते होंगे पैंदास दकल हदीसी किताबुल्लाह, दो ही चीजें हैं, या तो बात होगी या जात होगी, या बात होगी या जात होगी, तीसरी कोई चीज नहीं। और बातों में सबसे कीमती सरमाया किसको? अपने कलाम, कलामुल्लाह। अल्लाह ने ये कागज पर लिख करके नहीं दिया था, किसी तख्ती पर लिख के नहीं दिया था, ये तो किया था अल्लाह के नबी के दिल पर उतारा था। आपके दिल में होना कुरान, आपके दिल में जब कुरान होगा तब आप अल्लाह ताला से सही तौर पर मरबूत होने वाले होंगे। तो एक तरफ तो अल्लाह ताला ने कुरान को इस किताब से किसे, उसके जरिए से आप अल्फाज पढ़ेंगे, फिर अल्फाज के माने जानेंगे, फिर उसके अहकाम जानेंगे, मसाले जानेंगे। और दूसरी तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपकी हिदायत, आपने फरमाया वह खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेहतरीन जो जिंदगी गुजारने का हो सकता है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। तो बेहतरीन कलाम अल्लाह का कलाम और बेहतरीन तरीका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, यही दोनों हैं जो ले सकता है। और फोटो कॉपी जब तक कारगर नहीं होती, जब तक उसमें जान ना पैदा हो, तो मोमिन उसके दिल में लेकर जान पैदा करके तभी होगी, वरना उसके कान खुल जाता, डरता नहीं। और खाली शेर का बच्चा है, डर रहेगा अभी किसी को, मुझे क्या देगा शेर है नहीं, लेकिन वो कहा सोच रहा हूँ शेर है, लकड़ी से बना दिया आपने, है वो भी शेर, किसी को क्या कहेगा शेर है। बच्चों को यही बहलाते हैं ना, कहा रोना गए 200 रुपए। और एक ने कई मरतबा हजरत से मुलाकात हुई थी, हजरत आने के लिए ना जब फोन में एक मरतबा बात हुई तो हजरत फरमाया कि मैं दिल्ली में हूँ और माफी चाहता हूँ, शर्मिंदा हूँ। लिहाजा ये बात आप हजरत को मालूम होनी चाहिए कि हम गलती हमारी है या हमारे चरित्रकार की है। और दूसरी बात है यादव मुस्लिम, तो आपको दावत देने की जिम्मेदारी हमारे मदरसे किसी के दिल में कोई तकलीफ हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। जी बच्चे तशरीफ लाए, हाफिज रहबानुल इस्लाम साहब, हाफिज मिन्नतुल्लाह साहब, हाफिज अबरारुल हक साहब, हाफिज रहबानुल इस्लाम साहब, हाफिज मिन्नतुल्लाह साहब, हाफिज अबरारुल हक साहब। हजरत ये बताने में खुशी भी महसूस करता हूँ कि हजरत मौलाना नस्बत बुद्दीन के लिए सादत मंदी की बात है। हजरत के पास मैं जब दावत लेकर पहुँचा था, करीम जायज है, मैं इसका कहना तालब इल्म हूँ और आप मुफ्तियों के सरदार हैं, उस तरह अगर कराया जाए वक्त की रियायत करते हुए तो ज़्यादा बेहतर होगा, इसलिए कि सिर्फ 10 बजे तक पीएस वालों से वक्त लिया गया था। ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر